नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे एलपीजी सिलेंडरों के बारे में। बिहार में एलपीजी उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी की राशि अब तक नहीं पहुंच रही है। बता दें कि सरकार ने कहा है कि हम नियमित तौर पर सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं को पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब सब्सिडी नहीं मिलने की समस्या सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बैंक खाते से आधार लिंक्ड होने के कारण भी प्रदेश में हजारों एलपीजी ग्राहकों की सब्सिडी मिलने में परेशानी हो रही है। मेरी जानकारी के अनुसार बैंकों के मर्ज हो जाने के कारण यह बड़ी समस्या सामने निकल कर आई है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं जिनका खाता आधार से लिंक्ड हो गया है, जिसके कारण ग्राहकों को सब्सिडी की राशि खाते में नहीं आ रही है। वैसे ग्राहक जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, वे एजेंसी के प्रबंधक से या फिर बैंक खातों को आधार से लिंक कराने को कहा जा रहा है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो प्रदेश में IOC, BPC, HPC के तहत 206.02 लाख उपभोक्ता हैं जिन्हें यह लाभ नहीं मिल रहा है। इधर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंधक लीना कुमारी बताती हैं कि उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि सरकार की ओर से सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाती है। इसमें तेल कंपनियों की भूमिका नहीं है। सब्सिडी की राशि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उपभोक्ताओं के खाते में भेजी जाती है। वहीं बिहार LPG वितरक संघ के महासचिव डॉक्टर राम नरेश प्रसाद सिन्हा बताते हैं कि कुछ साल पहले सरकार कंपनियों को ही सब्सिडी राशि देती थी तो कंपनी LPG सिलेंडर का प्राइस कम करती रहती थी, लेकिन नए प्रावधान के बाद LPG सिलेंडर पर मिलने वाली राशि सरकार की ओर से ही भेजी जाती है। LPG पर मिलने वाली सब्सिडी अब फिर शुरू हो गई है। बता दें कि घरेलू गैस पर सब्सिडी पिछले कई महीनों से उपभोक्ताओं के खातों में नहीं आ रही थी, लेकिन अब ग्राहकों के खाते में 79.26 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में आने लगे हैं। आपको बता दें कि एक समय था जब देश में घरेलू गैस सिलेंडरों पर 200 रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी, तो अब घटकर 69.26 रुपये रह गई है। हालांकि कुछ ग्राहकों को 158.52 या फिर 237.78 रुपये सब्सिडी मिल रही है। इसके कारण अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूशन से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर है 1800-233-555 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको बता दें कि तकनीकी कारणों से पिछले 5 महीने तक सब्सिडी की राशि बंद थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि यह शिकायतें कम हुई है। हालांकि यूजर को जब सब्सिडी की राशि नहीं मिल रही थी तो उन्होंने ट्वीट करके पूछा था कि राशि क्यों नहीं मिल रही। इसके जवाब में उधर से जो जवाब आया उसमें कहा गया कि पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया लेकिन हमें LPG गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिली है। मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर एक शिकायत किया है लेकिन वहां भी कोई जवाब नहीं मिला। ये ट्वीट के माध्यम से जो है एक तरह से गैस एजेंसियों से पूछा गया था। तब यूजर के सवाल के जवाब में MOPNG ई सेवा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रिय ग्राहक, चूँकि 2020 मई से सब्सिडी वाले और गैर सब्सिडी वाले LPG की कीमतों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए किसी भी ग्राहक को सब्सिडी की कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है। यही वो लाइन है जो कि पूरे गैस सब्सिडी का जो मामला निकल कर सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल से गैस सब्सिडी नहीं मिल रही। तो दो अलग अलग कारण जो है, अगर आपके खाते में बैंक खाते में अगर जो है सब्सिडी की राशि नहीं आ रही तो उसके दो कारण निकल कर सामने आए। पहला कारण ये कि आपका आधार से लिंक नहीं है इसलिए भी आपके खाते में पैसे नहीं जा रहे। दूसरा जो एक कारण सबसे बड़ा निकल कर सामने आया वो ये था कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर और गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर दोनों की कीमतें में जो है कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो सिलेंडर आपके घर पहुंच रहा है उसे आप मान ले जाए कि उसमें सब्सिडी भी नहीं है और गैर सब्सिडी भी नहीं है। तो इसलिए जो है अब भारत सरकार ने ये भी माना है कि अब जो है राशि देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों जो है समान हो गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।